मणिपुर चक्र आपके शरीर के ऊर्जा का केंद्र है, तो मणिपुर चक्र को यदि ध्यान साधना में इसे साधने का अभ्यास किया जाए तो आप ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने ऊर्जा केंद्र को जागृत कर सकते हैं, जहां आप अपने अंदर एक नवीन नए प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति करते हैं और आपके पूरे शरीर और मन का कायाकल्प होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस मणिपुर चक्र से आपको वह ऊर्जा प्राप्त हो सकती है जो आपके शारीरिक ऊर्जा से भी ऊपर होती है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र और सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है, आप इस चक्र का ध्यान कैसे करेंगे, इस चक्र को आप किस प्रकार जागृत करेंगे। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। तो नाभि ध्यान के लिए सबसे पहले आप किसी स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें और आप पूरी तरह से ये सुनिश्चित हो लें कि आप खाली पेट हैं। आप पद्मासन या सुखासन, किसी भी आसन में जो आपके लिए आरामदायक हो, उस आसन में आप बैठ जाएं। यदि फर्श पर आप नहीं बैठ सकते, आपको किसी प्रकार की कठिनाई है, तो आप कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखनी है। आप अपने शरीर को आराम दें, इसे पूरी तरह से आप रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत चित्त आप बने रहें और कुछ गहरी सांस अंदर भरें। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को आप पूरी तरह से देखते रहें, पूरी चेतना के साथ आप गहरी सांस अंदर भरें और गहरी सांस, लंबी सांस आप बाहर छोड़ें। देखते रहें अपनी सांसों को, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, कुछ गहरी सांस अंदर भरें और सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया पर आप पूरी तरह से ध्यान दे। यह आपके शरीर को पूरी तरह से एक शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति प्रदान करेगा। सांस जब आप अंदर भरें तो इस सांस को आप देखते रहें, ये सांसें कहां तक जाती हैं, और सांस छोड़ते समय भी आप लंबी दूरी तक अपनी सांसों को देखते रहें, मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करेगा और आपके शरीर को स्थिर, रिलैक्स कर देगा। नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी नाभि को मानसिक दृष्टि से महसूस करें। आप ये महसूस करें कि आपकी चेतना आपके नाभि पर केंद्रित है। जो सांसें चल रही हैं, जो स्थिरता आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, आप इसे अपने नाभि केंद्र पर महसूस करें, इसे आप अनुभूति करते रहें। अपनी सांसों का प्रयोग करें। सांसों का इस साधना में आप किस प्रकार उपयोग करेंगे, आप धीरे धीरे गहरी सांस लें और इस दौरान आप अनुभूति करें कि आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके नाभि केंद्र में केंद्रित हो रही है। जब आप सांस अंदर भरें तो ऐसी अनुभूति करें कि नाभि केंद्र से आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, और जब आप
सांस बाहर छोड़े तो ऐसी अनुभूति करें कि आपके शरीर से पूरी नकारात्मकता और तनाव बाहर निकल रहा है। यदि आप चाहें तो मंत्र का उपयोग करें, बिल्कुल छोटे मंत्र जो आपकी सांसों में घुल जाते हैं, क्योंकि नाभि ध्यान साधना बिल्कुल आपके सांसों की गहराई से संबंधित है। तो बिल्कुल छोटे मंत्र यदि आप चाहें तो उसका आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम। जब ध्यान साधना की चेतना में ओम मंत्र का आप जाप करते हैं तो इससे जो वाइब्रेशन पैदा होता है आपके ध्यान को और भी गहरा कर देता है। आप इस ओम मंत्र के वाइब्रेशन को महसूस करें और ओम मंत्र का आप जप करें। ये वाइब्रेशन आपको ध्यान की एक ऐसी गहराई में पहुंचा देगा जहां केवल वाइब्रेशन होता है। विचार जब गायब होते हैं, भाव जब गायब होते हैं तो आप वाइब्रेशन की स्थिति प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तो इसके वाइब्रेशन से वही गहरी अवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी नाभि से एक सुनहरी पीली रोशनी निकलते हुए आप इसकी अनुभूति करें। आप इसे अपने आज्ञा चक्र पर अपने नाभि चक्र के ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं। आप ऐसा महसूस करें कि ये सुनहरी पीली रोशनी आपके नाभि क्षेत्र से निकल रही है। यदि आप इस प्रकाश की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं, जो कि निरंतर अभ्यास से होता है, तो यह आपके अंदर एक सकारात्मकता पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कराएगा। आप प्रकाश ऊर्जा के रूप में अपनी ध्यान साधना से अपनी नाभि से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ध्वनि के रूप में आपने जो वाइब्रेशन उत्पन्न किया है अब आप इसे प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं, जो कि आपके ध्यान साधना के स्तर को और भी गहरा कर देगा, और भी गहरी अनुभूति अपने नाभि केंद्र पर आप कर पाएंगे। ध्यान समाप्ति के समय आप ध्यान दें। आप कुछ समय तक जब ध्यान की चेतना धीरे 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 समाप्त होती है तो ध्यान समाप्ति से पहले कुछ समय आप बिल्कुल शांत बैठे रहें और अपने शरीर और मन की गतिविधियों का आप अनुभव करें। फिर धीरे 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 अपनी आंखें खोलें और कुछ देर यूं ही आप शांत बैठे रहें। कितने समय तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं? प्रारंभ में जब आप इसकी शुरुआत करें तो आप 10-15 मिनट के लिए ही इसका अभ्यास करें, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ साथ, नियमित अभ्यास के साथ आप इसके समय को 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। नाभि ध्यान करने में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने सांसों के साथ अपने नाभि को देखते रहें। जब आप नाभि पर पूरी चेतना को फोकस करें तो उस समय आपकी नाभि अपने आप ही अंदर सिकुड़ना शुरू कर देती है। तब आप समझें कि आपका नाभि ध्यान सफल हो रहा है, ये कारगर सिद्ध हो रहा है। और तत्काल उसी समय जब ऐसी क्रिया शुरू हो जाए कि सांस अंदर भरते समय अंदर नाभि में कुछ सेंसेशन पैदा होने लगे और सांस जब बाहर निकले तो नाभि अंदर सिकुड़नी शुरू हो जाए, यहां तक कि आपकी सांसें भी थमनी शुरू हो जाए,
तो आपका नाभि ध्यान बिल्कुल सफल रहा। आप प्रतिदिन इसी प्रकार नाभि ध्यान का अभ्यास करें। नाभि ध्यान के कई चमत्कारिक फायदे भी हैं। नाभि ध्यान करने से आपके शरीर में ऊर्जा संतुलन बढ़ता है और यह आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह पाचन तंत्र और मानसिक शांति को भी सुधारता है और आपके पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्रतिदिन नियमित नाभि ध्यान के अभ्यास से आप इसके गहरे ध्यान के लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें और यदि किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।